देखिए वोटिंग परसेंटेज जो डाउन है वह विपक्ष का डाउन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इससे पहले चरण की 8 सीटें बड़े बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन वहां राष्ट्रीय लोकदल भी बिजनौर सीट लड़ रहा है, हम जीत रहे हैं। दूसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं, तीसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीतेंगे। देश में जो 400 पार का नारा है वो धरातल पर उतरेगा और परिणाम जब 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार होगा तब वह दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वह जनता ने आशीर्वाद दिया और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 और 2019 से भी बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनी। विपक्ष इसकी विपरीत बातें कर रहा है कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। देखिए वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है ये विपक्षियों को भी मालूम है कि कौन नहीं निकला है। देखिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एक बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता ऐसा है जो कई बार वो कमल का बटन नहीं दबाना चाहता है लेकिन वो कमल के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता है, तो वह कोई जाकर के कमल का बटन दबा करके भी भाजपा का समर्थन कर रहा है और कोई न दबा करके भी भाजपा का समर्थन कर रहा है। वह भी चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर सरकार बने। वह भी अपना उज्ज्वल भविष्य देख रहा है, देश का उज्ज्वल भविष्य देख रहा है। हर वर्ग, कोई गरीब हो, अमीर हो, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, कोई हो, सबका साथ, सबका विकास, तो सबका समर्थन, सबका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति मिल रहा है और हम बहुत बड़े बड़े अंतर से 2024 का लोकसभा चुनाव पहले चरण का जीत रहे हैं। सर इसी क्रम में अखिलेश यादव सपा प्रमुख, उन्होंने ये बात कही कि जो लोग जुमला देते थे अब वो गारंटी दे रहे हैं। ये उनकी गारंटी नहीं बल्कि घंटी है। हम नहीं कहते कि उनकी हमें उनकी गारंटी नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की गारंटी चाहिए। देखिए श्री अखिलेश यादव जी हार का चौका लगा चुके हैं 2014, 2017, 2019, 2022 और अभी उनको वो चौका की हार से अभी संतोष नहीं हुआ है। वो हार का छक्का भी लगाएंगे जब 24 तो हारेंगे ही, 27 भी हारेंगे और जो कई ही चुनाव हार जाए उसके बाद उनके साहस की मैं सराहना करता हूं, फिर भी लड़ने का साहस उनके अंदर बना हुआ है। लेकिन जनता सपा को सफा कर रही है, सपा को समाप्तवादी पार्टी बना रही है। कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश है ही, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अब कोई कुछ बचा नहीं है। और मेरे शब्दों में मैं ये कहता हूं कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जनरेट करने वाली फैक्ट्री है तो समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री पर लोग ताला लगाना चाहते हैं, ऐसी फैक्ट्री से मुक्ति पाना चाहते हैं और कोई इन पार्टियों की सदस्यता लेकर के भी कोई ना भ्रष्टाचारी बनना चाहता है ना अत्याचारी बनना चाहता है। सब लोग देश का भला और देशवासियों का भला चाहते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, विपक्ष जो इंडिया अलायंस है उसके सभी नेता संयुक्त रूप से रैली निकाल रहे हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है उल गुलान रैली, जिसका अर्थ होता है कि विद्रोह के मूल निवासियों के संसाधनों के मतलब कहीं ना कहीं विद्रोह करना है। देखिए इंडी गठबंधन की शुरुआत हुई थी कर्नाटका से, मुंबई में पहुंचते पहुंचते यह गठबंधन आधा रह गया है। अब उलगुलान रैली करें और चाहे वह कोई और रैली करें लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष को स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है। कभी कांग्रेस के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एक होता था, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को नहीं रोक पा रहा है। ये बड़ी हमारी उपलब्धि है, हमारे डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है और 2024 से 2029 के बीच का जो बड़े बड़े लक्ष्य रखे गए हैं, चाहे एक देश एक चुनाव का हो, चाहे सामान्य नागरिक संहिता का हो, चाहे 5 साल तक आने वाले समय में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन देने का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का मामला हो, चाहे 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना की गारंटी से आच्छादित करना हो, यह अनेक गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो हमारी ताकत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो हमने काम किया है वो मातृशक्ति देश की आधी आबादी हमारी ताकत है, युवा शक्ति हमारी ताकत है
अन्नदाता हमारी ताकत है, उनके आशीर्वाद और समर्थन से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अमेठी में वायनाड राहुल जी पिछली बार जिस तरीके से वायनाड चले गए, अभी फिर सुने मैं कि अमेठी में कांग्रेस के कार्यालय में रंग रोगन वगैरह शुरू हो गया है, देखिए श्री राहुल गांधी जी आवे चाहे श्रीमती सोनिया गांधी जी आवे चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी आवे चाहे राहुल गांधी जी के जीजा श्री रॉबर्ट वाड्रा जी आवे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी ठाना है रायबरेली और अमेठी में फिर से कमल खिलाना है और रायबरेली में इस बार कमल खिलाना है। कोई चुनौती नहीं, मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस नाम की चुनौती इतिहास में हुआ करती थी, वर्तमान में नहीं है। अब कांग्रेस की जगह आने वाले समय में, चूंकि हमारा मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र है और एक नया विपक्ष कोई अवतार लेगा जिसमें साफ सुथरे लोग सामने होंगे और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मतलब विपक्ष में हो तो रचनात्मक दायित्व निर्वाह करें, सत्ता में तो भाजपा आज भी है और 2047 तक अभी सत्ता में मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसे काम करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे कि जनता के आशीर्वाद से भाजपा विकसित भारत बनने तक देश और प्रदेश की सत्ता में रहे।